यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1208 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। कैसे हो दोस्तों? वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हाँ मेरा थोड़ा गला ख़राब है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना प्रॉमिस याद रखना, वीडियो में मज़ा आए तो बस एक कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर जाना। अपनी सीरीज़ की तीसरी फोटो की तलाश में आज मैं जा रहा हूँ बिहार छठ पूजा देखने के लिए। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि ये स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ है तो आप बिल्कुल गलत हो। अभी तो मैं मस्त चल पा रहा हूँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था इसी स्टेशन पे मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाया था, इतनी भीड़ थी, अभी तो खाली हो। क्या करें, अब ये त्योहार ही कुछ ऐसा है। अगर छठ के दौरान आपने बिहार जाना है तो कम से कम 3 से 4 महीने पहले आपको ट्रेन की टिकट बुक करानी पड़ेगी, जो कि इस बारी मैंने किया था। बस फिर देखते ही देखते अगली सुबह मैं पहुंच जाता हूँ। अभी हुआ है सुबह के 4:15, सही में चलो 4:30 बट 4:15 गाड़ियाँ लग गई थी। मैं पहुंच चुका हूँ बिहार में, बिहार पटना में पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पे मेरा प्लान ऑफ एक्शन पता है क्या है, मेरे को छठ देखनी है और मेरे को किसी लोकल फैमिली के साथ छठ एक्सपीरियंस करनी है। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मैं बस एक ट्रेन में चढ़ जाऊँगा, मेरी किसी दोस्ती हो जाएगी, वो मेरे को अपने विलेज या अपने घर लेके चलेंगे, कहेंगे आप छठ पे, आप छठ देखिए, हमारे साथ रुकिए, और मेरे को एक बहुत ही सुंदर लोकल एक्सपीरियंस मिलेगा। बट अपेरेंटली लाइफ मूवी जैसी नहीं चलती। तो सुबह के 4:15 मैं यहाँ पे बैठा हूँ स्टेशन पे पटना में, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, बट मेरा बहुत दिल है, दिलो तमन्ना है भाई छठ देखने की। वहाँ बैठे बैठे पता नहीं मुझे क्या होता है, स्टेशन से बाहर आने के बजाय सुबह होते ही मैं एक और ट्रेन लेता हूँ और चल देता हूँ एक ऐसे शहर की ओर जिसका नाम आज से पहले खाली अखबारों में ही पड़ा है। तो अपनी जर्नी एक्चुअली शुरू होती है अब। वेलकम टू मेलोडीज ऑफ इंडिया एपिसोड 3। जागो रे देखो रे दुनिया ए, देखो रे। ये बिहार का वो टाउन है जो बहुत सारी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखने के बाद भी फेमस कुछ अलग चीजों के लिए ही है। बस यही कुछ कहानी है मुंगेर की। अब पूरे बिहार में से मैं सिर्फ यहीं क्यों आया हूँ ये बात जरा आगे बताता हूँ, पहले एक कमरा देख लेते हैं। मुंगेर में फेमस क्या है? मुंगेर में यहाँ पर इस जगह की देखने वाला घूमने वाली हाँ एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया था भैया ने बोला क्या। ये एसी के साथ है? अच्छा विदाउट एसी भी दिखा दो। स्क्रीन के थ्रू अगर मैं आपको कमरे की बहक सुगा पाता तो वह पक्का ये वीडियो छोड़कर भाग जाते। कमरा दिखाने के चक्कर में ये भैया तो किसी और के रूम में ही घुस जाते और मैं समझ जाता हूँ कि भाई एक दिन की बात होती तो मैं रह लेता, बट 4 दिन तो नहीं हो पाएगा, कहीं और जा रहा हूँ। फिर ऐसे 3-4 होटल देखने के बाद एक ठीक ठाक सी जगह मेरे को मिल ही जाती है और रूम में आते ही करीब 20 घंटे के सफर के बाद मेरा फ्रस्ट्रेशन का गुब्बारा फट ही जाता है। तो यार फाइनली मैं आ गया हूँ बिहार के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है मुंगेर, और मेरी जेन्युइन फीलिंग यहाँ की ये है कि मैं यहाँ पे क्यों आया सही में। मतलब मेरे को छठ कवर करनी है, मतलब नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे को जब छठ कवर करनी है तो मैं पटना में कर लेता, थोड़े कम्फर्ट में कर लेता, इधर क्यों आया हूँ। मतलब सबसे पहले और क्रेजी चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले मैंने ट्रेन ली, ट्रेन के बाद मैंने टेम्पू किया, टेम्पू के बाद एक रिक्शा किया, रिक्शा वाले से बोला किसी होटल ले जाओ, 3-4 होटल देखे, थोड़े नहीं, मतलब मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मेरे को एक दिन की बात होती मैं रह लेता, मैं पहले भी रहा हूँ, बट अभी मेरे को 4-5 दिन रहना है और मेरे को काम भी करना है, तो मैं कहा यार यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो फाइनली मेरे को एक होटल मिला, और जब रिक्शा ने मेरे को इस होटल के बाहर उतारा तो होटल के साइड में ही गन शॉप है,
मतलब मैं फैसिनेट हो गया, मेरे को लग रहा है वाह मैं तो अमेरिका में आ गया यार, मतलब वाह अमेरिका में ऐसा कल्चर देखा ना, गन कल्चर इधर है, तो इसको गन गन कैपिटल या गन एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हो, ऑफ इंडिया और बिहार बुलाते हैं मुंगेर को। बट सही में मेरे को लग रहा है यार मैं क्यों आ गया यहाँ। और अभी आते ही पता क्या हुआ, मैं पहले ही मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट और ऐसे अनॉयड था, मैं आया मैंने उनसे पूछा नीचे जनरेटर है ना, उन्होंने कहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं आया मैं यहाँ बैठा, मैंने बैग रखा लाइट चली गई, फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ उन्हें, वो कह रहे है जनरेटर आप 5 मिनट वेट करो, मतलब मैं अपनी टॉर्च ऑन करके इस कमरे में बैठा था 5 मिनट, मैं क्रिप कर रहा हूँ, बट ऐसा हो जाता है, मतलब ये भी एक ट्रैवल का साइड है जो पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, बट अभी मैं थोड़ा क्रिप कर रहा हूँ कि क्यों क्यों आया मैं। अब क्योंकि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था तो सुबह होते ही मैं निकल लेता हूँ अपनी फेवरेट जगह की ओर। समझे कौन सी जगह? जी हाँ, गंगा जी यहाँ मुंगेर से भी बहती है। सर मैं मुंगेर आ चुका हूँ और अभी मैं जिस घाट पे उसको बोलते हैं कष्टहरणी घाट, और मैं मुंगेर क्यों आया हूँ, बिहार में कहीं भी जा सकता हूँ, मैं एक्चुअली पटना था पर मैं मुंगेर क्यों आया हूँ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि सीता माता ने सबसे पहले छठ यहीं की थी, तो जो छठ पर्व की शुरुआत हुई है वो यही मुंगेर से हुई है। तो इसके लिए मेरे को था कि यार मेरे को वो मैं ऑथेंटिसिटी ढूंढ रहा हूँ ना, तो मेरे को लगा था कि वो जो ऑथेंटिक सेलिब्रेशन दिखेगा वो यहाँ दिखेगा, बस इसके लिए मैं आ गया हूँ। बट आगे मेरे को थोड़ा लग रहा है कि पटना में ही कर लेते, एक अनजाने शहर में छठ को करीब से कैसे ही देख पाऊँगा। सच में बस एक हल्का सा विश्वास था कि कुछ तो हो ही जाएगा, और तभी सामने से ये भाई चलकर आते हैं। पता चलता है कि ये भाई हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और यही मुंगेर में रहते हैं, और फिर जब ये मुझे छठ पूजा के लिए अपने घर इनवाइट करते हैं तो मैं कहता हूं बिल्कुल क्यों नहीं, अरे 100% चलो अभी चलो, बस चल ही दो। छठ का ये महापर्व पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को बोलते हैं नहाए खाए, जहाँ पे आप गंगा स्नान करने के बाद घर पे कद्दू भात बनाते हैं, छत पर ऐसे अनाज सुखाते हैं, और यदि आपके पास इतनी जगह नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोसी की छठ तो है ना। सर ये अभिनव के किसी दोस्त का घर है और यहाँ पे सारी की सारी सेरेमनी की तैयारियां चल रही है कद्दू भात की, जो 4 दिन का 4 दिन लॉन्ग फेस्टिवल होता है, पहले दिन होता है कद्दू भात जिसकी यहाँ पे तैयारियां अभी चल रही है। मुझे लगा था थोड़ी बहुत फोटोज लेके निकल जाऊंगा, पर ऐसा होता नहीं है। तिल्ली हम उसके अंदर डाले या बाहर रख के हमको याद नहीं है, और हम मुल्लू देखने चल गए। अच्छा वो पकड़ लिया। ओ फिर क्या, उसके बाद मेरा खुजाई चालू। तो कितना आग लग गया, ज्यादा लग गया, धुआं धुआं होने लगा। ठीक है, ये है राहुल, अभिनव का वो दोस्त जिसके घर इस साल छठ मनाई जा रही है। हमारे गौरव भाई बोलते हैं लाइफ इज एंजॉय। और ये है अभिनव, जिनके साथ मेरे को अभी तो कोई आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट 4 दिन कितने खूबसूरत बीतने वाले हैं। तो यार अभी हम जा रहे हैं काली पहाड़, और अभिनव भाई के अकॉर्डिंग मुंगेर में उससे ज्यादा खूबसूरत जगह कोई भी नहीं है। भाई ने गलत तो नहीं कहा था। और चल रही है छठ पर्व की तैयारी, इस टाइप से आप एक कवर देखिए, ये रहा मंदिर, और नीचे वाले कुंड में हो रही है छठ पर्व की तैयारियां, अभिनव बहुत खूबसूरत जगह पे लेके आया हमें, बहुत अच्छा यहाँ से सनसेट दिखता है। और अभी तो ये मतलब सनसेट होने का मतलब एक तरीके से शुरुआत है, जैसे जैसे सनसेट की तरफ बढ़ता है सूर्य पूरा गोल्डन हो जाएगा ना, उस टाइम की तो नजारे ही नजारे, मतलब कि देखते देखते ही प्यार हो जाएगा आपका। हमने मतलब सब बोलते हैं कि पंजाब बहुत हरा भरा है, बट बिहार उससे भी ज्यादा हरा भरा है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। बस ये है कि यहाँ की ब्यूटी हिडन है। हाँ सही बात है, यहाँ पे ब्लॉगर्स का आना जाना बहुत कम है, तो बची हुई है बस छिपी हुई है। अब ज्यादा लोग बिहार घूमने क्यों नहीं आते, ये किसी अलग वीडियो का ही मुद्दा है। मिलते हैं इस वीडियो के सबसे एंड में, क्योंकि अभी तो आप लोगों को इस सीरीज में एंड तक बने रहना है, क्योंकि आप लोगों को देखने मिल रहा है छठ पूजा का स्पेशल ब्लॉग, जो कि शायद अभी से पहले किसी ने कवर नहीं किया होगा इस लेवल का, जो कि भैया कवर कर रहे हैं। हाँ मेरे को पता नहीं कितना अच्छा बन पाएगा, पर कोशिश है कि हम एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो सब कर लें,
जो रिचुअल्स होते हैं हर दिन के, वो हर दिन के रिचुअल्स अगर हम किसी लोकल फैमिली के साथ उन्हीं के उस जगह पे जाके फील कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो अभी वो करने की हमारी गोल वही है। तो कल एक्चुअली छठ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा दिन है। कल क्या होने वाला है? कल है खरना पूजा, जो कि छठ पूजा का डे टू होता है, मतलब कि दूसरे दिन का जो प्रोग्राम होता है वो होता है खरना पूजा। तो कल है खरना पूजा और आज था कद्दू भात। इस तरह से 4 दिन लंबा फेस्टिवल का एक दिन होता है कंक्लूड, बचे हैं 3 दिन, मिलते हैं कल। आइडियल वर्ल्ड में, एक आइडियल दुनिया में अगर हम रह रहे होते तो मैं कुर्ता पहन के जाता, बट अभी मेरा कुर्ता है नहीं और इकलौती टी शर्ट ये है मेरे पास जो ब्लैक नहीं है, तो इसलिए यही पहन के चलते हैं और अभिनव भाई से मिलते हैं और छठ का सारा कार्यक्रम देखते हैं। लेट्स गो। मैं कह रहा था मेरे पास मैचिंग कुर्ता हो ना हो, मैचिंग छोड़ो, मेरे पास कुर्ता हो ना हो, मैचिंग गमछा जरूर है, क्योंकि आई एम अ न्यू फैन ऑफ गमछा। बड़ा मजा आता है गमछा पहन के, पिछले 6 महीने से पहन रहा हूँ, तो थोड़े अलग अलग रंगों के ले लिए थे और इसलिए कुर्ता नहीं है तो क्या हुआ, टी शर्ट के साथ गमछा मैचिंग मेरा जरूर है। और मैं इतना बेवकूफ हूँ, मैं कल उनके घर गया और मैं खाली हाथ चले गया, तो वो बाद में जाके रिलाई दो मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एटलीस्ट कुछ मिठाई वगैरह तो लेके जाऊँ ना सबके लिए, तो मिठाई शॉप है सामने, पहले वहाँ चलते हैं। थैंक यू भैया। एक्साइटमेंट देखो, बिना पैसे दिए ही चल पड़ा था मैं। तो जी ये है अभिनव, ये है अभिनव की शॉप, ये है अभिनव का घर। अभिनव बहुत मेहनती है, सुबह 8 बजे खुलते दुकान। झूठ बोल रहा है, इस बहाने से बस नहाता नहीं है लेट लेट। हाँ, इसी दुकान वगैरह के चक्कर में हो जाता है ना, कभी कभी खाना तक लेट हो जाता है, खाना लेट हो जाता है 2-3 बजे तक। तो जल्दी उठो, 6 बजे उठो भाई। सब्जी तो है आंटी जी, अभी पड़ा आलू गोभी का खाओ ना। हाँ खा रहे खा रहे खा रहे। कद्दू का थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा ही डाल दीजिएगा थोड़ा बस। बढ़िया नाश्ता करने के बाद हम चल देते हैं राहुल भाई के घर की ओर, छठ के दूसरे दिन की सेरेमनीज देखने के लिए। घर पर इस बार दादी जी ने छठ रखा है और कहते हैं कि छठ हिंदू कल्चर में वन ऑफ द टफेस्ट फेस्टिवल है, क्योंकि इसके अंदर करीब 36 घंटे का आपको फास्ट रखना पड़ता है। पर जो बढ़िया बात है कि त्योहार में आप अकेले नहीं होते हैं, सारे घर वाले इवन पड़ोस वाले मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। घर पर ना एक शादी जैसा माहौल था और मैं तो एक्स्ट्रा खुश था, क्योंकि ये सब मेरे को बहुत ही करीब से देखने का मौका मिल रहा था। इस बीच कब घर वालों से एक्चुअली प्यार बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। शायद इसमें रसिया की मिठास का कुछ हाथ था। रसिया कंट्री नहीं, रसिया जो स्पेशली खरना पूजा में बनाया जाता है, जो कि एक तरह से मीठे चावल जैसे होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो मस्ती में मैं लेट आ रहा था ना। कितने बजे बंद कर देते हैं? सब लोग आ गए थे, बंद कर। हाँ मैं भूल गया आप। नहीं। अच्छा याद था आपको। चलिए ठीक है, आपको जगाया नहीं हमने, फिर जाग ही रहते हैं आपको। हाँ जी हाँ जी। हम दोस्त के घर गए थे। अच्छा। हमारा एक दोस्त रहता है, तो आज वो था ना, दूसरे दिन का जो पूजा रहता है खरना पूजा। हाँ बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं वो जिस तरह से छठ को जानते हैं, कल हमें वो सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गो। तो जी आज है संध्या अर्घ, मतलब फर्स्ट ऑफरिंग टू द सन गॉड एंड उनकी बहन छठी मैया। मैंने तो कहा ही था पूरा शादी वाला घर लगता है। एक बार प्रसाद का डाला तैयार हो जाने के बाद कुछ लोग उसको घाट तक गाड़ी से, रिक्शे से ले जाते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। तो घर से सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब सब तैयार होके बड़े ही सुंदर सुंदर बन के जा रहे हैं घाट की ओर। मेरी हालत थोड़ी खराब है, कोल्ड हो रहा है।
तो यहाँ से घाट की दूरी कुछ 2.5 किलोमीटर है और पूरा रास्ता नंगे पैर ही पूरा किया जाएगा। संध्या अर्घ के समय सूर्य भगवान के अष्ट होते हुए स्वरूप की उपासना की जाती है। अब वैसे तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, मगर मैं अच्छी फोटो नहीं ले पाया, जरा भी अच्छी फोटो नहीं ले पाया। मेरा पहली बार ही था छठ पूजा में, आप लोग जितना सोच सकते हो ना उससे भी खराब फोटो खींची है मैंने। कल का आखिरी दिन है और कल पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छी फोटो खींचने की, क्योंकि मतलब ये तो गिवन है, ये तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ही जो गंगा के अराउंड होता है। तो मतलब गंगा के अराउंड नहीं, बट ऑल ओवर इंडिया का भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ही, इसका तो अच्छा फोटो लेना ही पड़ेगा। तो कल का दिन अब देखा जाएगा कैसे कर पाएंगे। तो जी अभी ये जो आप नोट फैले हुए देख रहे हैं, ये हमारी समझदारी थी कि जब हम गंगा जी में उतरे तो चेक कर लिया कि हाँ जेबों में कुछ है तो नहीं, है तो नहीं, नहीं है, उतर गए गंगा जी में। जब गंगा जी से बाहर आया तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी एक जेब सबसे नीचे भी है, मतलब पैंट में यूजुअली यहाँ जेब होती है, एक जेब मेरी नीचे भी है। उस जेब में हाथ मारा तो तब सुखा हुए ने। बाय द वे आज की अपडेट ये है कि मेरे को फोटो नहीं मिली है और मैं डिसअपॉइंटेड हूँ खुद से। मेरे को बहुत ही लथार्जिक फील हो रहा था, मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को सोने दो, ऐसी फील आ रही थी। तो अभी मैं दवाई खा के टाइम से सो जाऊंगा, क्योंकि सुबह मेरे को 4 बजे से भी थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। तो कल अर्ली मॉर्निंग का अर्घ है, तो कल सनराइज के साथ सेरेमनी होगी, मगर उसके लिए लोगों ने बोला है कि वो 4-4 बजे ही घरों से निकल जाते हैं। तो अब मेरे को भी कल सुबह 4 बजे जाना है, इसलिए अभी दवाई खाता हूँ और फिर टाइम से इधर हूँ। ऐसे मैंने एक बार पिछले साल शॉर्ट बनाया था इस पे, मम्मी कहते नाम लिख लिख के देती है। ये देखो मैंने ना एक बार फनी चीज करी है ट्रैवल के दौरान। मैं अभी अपने मैंने डेली डायरी एंट्री करता हूँ, मतलब मैंने सोचता हैबिट बनाऊंगा, हो नहीं पाया। बट मैंने एक ट्रैवल के दौरान क्या किया है, आज 45th डे है मेरा, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस, मेरा ट्रैवल का 45th डे है। वीडियो तो इतना है नहीं, इतना टाइम कहा था। ठीक है भाई, मैं तो मौज भी करता हूँ थोड़ी मजाक कर रहा हूँ, मैं कहीं और गया था बीच में, उसकी वीडियो नहीं बनाई, बनाई थी बट नहीं डालूंगा। खैर ये मेरी दूसरी गोली। हाँ तो जो मैं चीज़ बता रहा था वो मैं यही बता रहा था कि अब मैं ट्रैवल पे बिस्लेरी मैं नहीं पीता, मतलब पैकेट वाटर नहीं पीता। ये मेरी बोतल नहीं है, ये मेरे को किसी ने नीचे रिसेप्शन पे बोला था ये ले लो, मेरे पास बोतल नहीं थी। तो मैं बोल रहा था कि मैं ये वाटर नहीं पीता हूँ, इसके अंदर भी यहाँ का टैप वाटर ही है, मतलब थोड़ा फिल्टर होके जो वाटर आता है वही वाटर है, जो कि काफ़ी केसेस में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि आपकी स्टमक को सूट नहीं करता, आपका पानी बार बार बदलते रहता है। तो बट मैं ये पी रहा हूँ, पता नहीं क्यों बट मैं यही पीता हूँ। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब मेरे को याद है मैं 7th क्लास में था और मैं घर से सोलन जाता था, सोलन का है शिमला के पास में एक छोटा सा टाउन है, वहाँ हमारी बुआ जी रहती थी। तो जब भी मैं समर वेकेशन में उनके पास जाता था ना, तो मैं को बिस्लेरी खरीद के पीनी पड़ती थी, क्योंकि मैं वहाँ का अगर पानी पीता था तो मेरी पूरी टंग पे छाले हो जाते थे। तो वो 7th का रौनक था और मैं आज का रौनक है जो कहीं का भी पानी पी सकता है। मतलब अभी थोड़ा सा पेट खराब है शायद पानी की वजह से, या कुछ गलत वलत खा लिया उसकी वजह से, आई डो नॉट नो। बट वैसे अब मैं ट्रैवल में रेगुलर वाटर पीता हूँ। खैर मैं इतनी बकर क्यों मार रहा हूँ फालतू की, वो भी मतलब उसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई वीडियो से लेना देना नहीं है। हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग, मैं जब क्लास देता हूँ स्टोरी टेलिंग की तो बोलता हूँ मुद्दे से भटकना नहीं है, तो देख लो मेरे को मुद्दे से भटक रहा हूँ, फालतू की बकर मार रहा हूँ। पर ठीक है यार, थोड़ी तबीयत खराब है, सो जाते हैं, सुबह मिलेंगे 4 बजे। गुड नाइट दोस्तों। मैंने सोचा था सुबह के 4 बजे जाऊंगा बट 5 बज चुके हैं मैंने दवाई खाई अभी, अभी पहले से बहुत बेटर है, सही लग रहा है। तो चलते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छी फोटो ले पाए, लेट्स गो। सुबह के 5 बजे है, खाली है सड़कें, मतलब यहाँ पर खाली है मेरे होटल के बाहर, और निकल गया हूँ मैं। पहले से बेटर फील हो रहा है, पहले से एनर्जेटिक फील हो रहा है, दवाई एक रात में काम कर गई। नाउ आई एम ट्राइंग कि बस जस्टिफाई कर पाऊँ, मतलब
मतलब मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ ना मैं क्लेम करता हूँ, मैं मेरी कोशिश है कि मैं स्टोरीज निकाल पाऊँ, स्टोरीज मीनिंगफुल होंगी तो फोटो मीडियोकर होगी चल जाएगा, ये मेरा आइडिया है, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। तो मगर क्योंकि ये महापर्व है इसमें क्या ही स्टोरी, इसमें तो क्या ही स्टोरी, बट स्टिल मेरे पास मटेरियल तो है इस पूरी उसके लिए ना, इस पूरी वीडियो का, इसलिए मैं इस टाउन में आया था क्योंकि यहाँ पे वो ऑथेंटिसिटी देखने को मिलेगी जो मेरे को दिख चुकी है। तो बस अब कोशिश है कि जस्टिफाई कर पाऊँ, कैसी फ़ोटो ले पाऊँ। आप देख सकते हैं कि घाट पे किस तरह से लोग पहले ही आके इंतजार करने लग जाते हैं सनराइज का। अभी मैं पूछ रहा था तो कोई कोई बता रहा है कि 3-3 बजे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि उनको जगह मिले ना मिले, इसलिए वो लोग पहले ही आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज देखी मैंने, ये बंदूक है जिसके अंदर से आप पटाखे छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे पकड़िए, इधर बम डालें, डालना चलाना नहीं क्या? चला हम चलाए, नहीं तुम चलाओ, नहीं चल पकड़े देखो, ओ तेरी। अब इस महापर्व के बारे में मेरे को कुछ और कहने की जरूरत तो है नहीं, पर जैसे जैसे मैं घाट पर घूम रहा था ना, मेरी प्रसाद की थैली बढ़ती ही चली गई। घूम रहा था, फोटोग्राफी कर रहा हूँ, काफी लोगों ने हमें प्रसाद भी दे दिया, धन्यवाद। सब बोलेंगे छठी मैया की जय, ठीक है, मैं बोलूंगा 3-2-1 गो, फिर आप बोलिएगा, ठीक है, 3-2-1 गो। याद है वीडियो के ओपनिंग में मैंने कहा था लाइफ मूवी के जैसी थोड़ी होती है, बट अपेरेंटली मूवी से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है अपने इस जीवन में। बिहार चला आया था बस मन में एक इच्छा लेके, इसी सोफे पर बैठकर क्रिप कर रहा था, मुंगेर क्यों आ गया, मुंगेर क्यों आ गया, यही कह रहा था। मगर अब देखो मेरा हल्का गला खराब क्या हुआ, घर पर दादी जी ने गर्म पानी, गर्म हल्दी वाला दूध, इतनी सारी है सब देख रहा हूँ, इतने सारे ग्लास मिला दिया आपने, पानी थोड़ा सा, ये क्या चीज है, ये छठ पूजा का आशीर्वाद है। बीते 4 दिनों में ऐसा लगा मानो अपने परिवार के साथ ही समय बिताया हो। तुम क्या बनने वाले हो? इंडियन आर्मी बनने वाले हो? शकल शर्मा क्यों गए? बोल के भाग गया पीछे। आप क्या बनेंगे बड़ा होके? आईएएस ऑफिसर। अरे बाप रे, सबको रटा हुआ है, बच्चे को पता है आईएएस बनना है बड़ा होके। बाय बाय, नमस्ते सबको, बाय 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 बाय, थैंक यू। कुछ ऐसी ही कहानी है बिहार की, और कुछ हो ना हो यहाँ के लोगों का दिल बहुत ही बड़ा है। तो ये था हमारा episode 3 छठ पूजा का। मेरे को नहीं पता कि मैं जस्टिस कर पाया या नहीं कर पाया, आई थिंक नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब कुछ एक्सक्यूज नहीं है, बट अगली बार फिर ट्राई करेंगे। और इसी के साथ वैसे मेरे को मेरी 3rd फोटो मिल गई है, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है कि इसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर छठ पूजा को ही उस किताब में नहीं डालेंगे तो किताब मतलब बिल्कुल खाली लगेगी, तो कोई पॉइंट नहीं। तो जो तो बनता ही है, इसी के साथ मेरे को हैट्रिक तो हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी मतलब मैं बोलूँगा कि उतनी खास फ़ोटो नहीं आ पाई, बट इम्प्रूव करूँगा फोटोग्राफी स्किल पे। तो 3 फोटोज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सैटरडे। और अब से कोई नहीं, अगर अच्छी फोटो नहीं आई तो नहीं, तो बुक में नहीं आएगा। बट क्योंकि छठ महापर्व है तो छठ पूजा की फोटो के बिना बुक में कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, ओके बाय।